अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम छोटे बच्चों में जो रैशेज़ होते हैं डायपर वाले एरिया में, उसके बारे में मुख्तसर सी बात करेंगे। उसकी वजूहत क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, और कुछ जो मिथ्स हैं सोसाइटी में कि हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं जो कि इन बच्चों के रैश के ट्रीटमेंट में नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले एक बच्चे को लाया गया जो कि कम उम्र का बच्चा था, और उसको कुछ अरसे से डायरिया चल रहा था, यानी पेचिश चल रहे थे। तो उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने डायपर वाले ये पे रैश की वजह से मेडिकेटेड क्रीम्स लगाना शुरू की, जिसमें स्टीरॉयड्स थे, और उन्होंने खुद सेल्फ मेडिकेट किया, किसी के कहने पे किया। उस बच्चे की तस्वीर मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। सो उन्होंने उस क्रीम को लगाते रहे और तकरीबन 6 से 7 हफ्ते उन्होंने उस बच्चे को क्रीम को लगाया। उसके बाद जब उस बच्चे को लाया गया तो उस बच्चे की चेहरे की स्वेलिंग हुई हुई थी, चीक्स उसके बिल्कुल रेड हुए हुए थे, और साफ महसूस हो रहा था कि बच्चा जो है ना, इसमें कोई चेंजेस हैं उसके फेस में। सो एक्चुअली हुआ ये था कि उनको किसी ने बेटनोवेट क्रीम का बताया, और उन्होंने वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसके डायपर वाले रैशेज वाले एरिया पे लगानी शुरू की, और दिन में 2 से 3 बार लगाते थे, और वो मतवातर 6 से 7 हफ्ते लगाते रहे। अब इन क्रीम्स में होते हैं स्टीरॉयड्स, और स्टीरॉयड्स जो जेनिटल एरिया यानी जो पखाने वाली जगह है उसके आसपास स्किन में, उधर से बहुत तेज़ी से जज़ब होते हैं, और जज़ब होके वो ब्लड में आते हैं, और ब्लड में फिर स्टीरॉयड्स जो है ना अपने नुकसानात शो करना शुरू करते हैं सारी बॉडी तक पहुंचकर। सो कभी भी मेडिकेटेड क्रीम खुद से ना लगाएं, और अगर वो लगाते भी हैं तो वो कुछ दिन के लिए, लेकिन बेहतर यह है कि वो उसको अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल कीजिए। सो इस चीज़ में लेसन ये था। अब आते हैं कि जो रैशेज होते हैं या बच्चे में डिफरेंट डायपर रैशेज होते हैं, उसकी मेन रीजंस क्या है। एक तो ये कि जब भी डायपर वाली जगह यानी पैम्पर वाली जगह उसमें नमी ज़्यादा होगी, वेटनेस ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर रैश होने के चांसेस हैं। उसकी वजह एक तो डायरिया है कि इस हाल यानी पेचिश की बीमारी है, उसके साथ रैशेस हो सकते हैं। थोड़ा सा डायरिया अगर लंबा होगा तो उसके साथ रैशेस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर डायपर बहुत ज़्यादा टाइट है या बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का है, या आपने उससे पहले स्किन बच्चे की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उससे भी रैशेस हो सकते हैं, या बाज़ औक़ात इन्फेक्शन भी रैशेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि डिफरेंट होम रेमेडीज़ क्या हैं जिनको लेकर हम बच्चे को घर पे इसको मैनेज कर सकते हैं। पहली बात तो ये, स्टीरॉयड क्रीम खुद से इस्तेमाल मत कीजिए। एक तो ये कि उस जगह को, डायपर वाली जगह को आपने ड्राई रखना है, उसको खुश्क रखना है, और बेहतर ये होगा कि डायपर यानी पैम्पर का इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए, जब तक रैश बेहतर नहीं होता, कम से कम रखें। जैसे उस एरिया को वॉश करें उसकी हाइजीन अच्छी रखें, सफाई का ख्याल रखें, और खुशबू के बगैर साबुन से उसको धोएं, और वॉश करके उसको ड्राई करें, और डायपर का यूज़ मत करें। दूसरी बात ये कि आप घर पर आपके ऑयल मौजूद होता है, सरसों का तेल है, जैतून का यानी ऑलिव ऑयल है, या कोकोनट ऑयल मिलता है, इसको डायपर वाली जगह पे अच्छी तरह मसाज करके लगाएं, और जब आप डायपर लगाना शुरू करें तो मसाज करके अच्छी तरह उसके ऊपर डायपर लगाएं। उससे होगा ये कि वहाँ पर नमी नहीं होगी यानी मॉइस्चर नहीं होगा, और अगर बच्चा लूज स्टूल करता भी है, मोशन करता भी है, तो उससे स्किन और मोशन के दरमियान में बैरियर आ जाएगी, यानी एक किस्म की रुकावट आ जाएगी इस ऑयल के थ्रू। तो ये आप रेगुलर यूज़ किया करें ताकि डायपर में रैश हो भी ना, और अगर हो गया तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा घर पर पेट्रोलियम वैसलीन आती है वाइट कलर की, वो लगाएं डायपर वाले एरिया में, वो उसकी बच्चे की जिल्द को प्रोटेक्ट करेगी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर बच्चे के रैशेस ठीक नहीं होते, तो एक तो उसके डायरिया का ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि उसकी क्या वजह है और उसका क्या ट्रीटमेंट है, और आप उस पर वहाँ पर जो ट्यूब्स होती हैं जिनमें जिंक ऑक्साइड होता है वो लगा सकते हैं, वो उसकी जिल्द के लिए हेल्दी है, और वहाँ स्किन की हीलिंग बेहतर हो सकती है। दूसरा, वो बैरियर का काम भी यानी वहाँ स्किन को डैमेज होने से भी रोकती है। और उसके बाद अगर फिर भी रैशेस ठीक नहीं हो रहे तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, वहाँ पर कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको कोई लो पोटेंसी का कुछ दिन के लिए स्टीरॉयड्स की एप्लीकेशन दे,
पाँच से सात दिन लगाएं और उसके बाद वो रैश ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको कन्वीनियंट लगेगी घर पर अपने बच्चे के रैशेज की मैनेजमेंट के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।